हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुजीत सिंह। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है, क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स की है। बच्चों, लास्ट हमने वर्कशीट हिंदी की कल भी करी थी, जिसमें हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपने अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग इस वर्कशीट को हैंड टू हैंड कर सकें। काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड समझाता हूँ और लिखवाता चलता हूँ, ठीक है। सभी बच्चे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी, क्लास लिखेंगे आप लोग सेवन्थ, वर्कशीट का नंबर डालेंगे 17, ठीक है बच्चों। फिर आप डेट लिखोगे 15 सितंबर। और देखो बच्चों, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है व्लॉग चैनल की, आप लोग उस पर जाके वीडियो देख के उस पर कमेंट कर सकते हो और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको गिफ्ट जीतना है। देखिए, इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ हम पेड़ और उसकी बात कर रहे थे कि आपस में क्या बात कर रहे थे। खंबा आपस में बात कर रहा था, लेटर बॉक्स, पेड़, ठीक है, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। देखो इसमें दिया गया है, पेड़ ने क्या, लेकिन चिट्ठी जिसने लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, चिट्ठी जिसके लिए लिखी हो उसे ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं होती। लेटर बॉक्स में, लेटर बॉक्स ने कहा, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रखता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, ठीक है। लेटर बॉक्स ये कहता है कि मैं किसी की बात नहीं लीक करता हूँ, मैं सिर्फ अपने तक रखता हूँ, और मुझे इसी बात का गर्व है कि मैं लेटर बॉक्स हूँ, ठीक है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। आदमी ने बोला, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक नहीं उठी है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बहसी की दवा जो दे दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देख कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। देखो उसने क्या, एक आदमी था तो कहता था मैं बच्चे उठाता हूँ, तो उसने एक लड़की उठाई जिसे उन्होंने बेहोशी का दे रखा था, और वो लड़की को वो छोड़ के वहाँ पे चला गया। इसके बाद की हम कहानी अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें दिया गया है कि यहाँ लाला ताऊ किसे कहा गया और क्यों। तो आप लिखेंगे लेटर बॉक्स को कहा गया, किसको कहा गया, लेटर बॉक्स को कहा गया, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड में पूछा है, चिट्ठी सबसे शुरू होने वाली किन्हीं दो पंक्तियों को लिखें। देखो आपको पंक्ति लिखनी है, जैसे चिट्ठी की बात निराली है। देखो अब इसमें लिखोगे चिट्ठी, एक सेकंड मैं इसे फिर से लिख देता हूँ। देखो चिट्ठी की, उन्होंने पहले एक एग्जांपल दिया चिट्ठी की बात निराली है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, चिट्ठी क्या है, इस चेहरे पे स्माइल लाती है, चिट्ठी ठीक है, चिट्ठी देखते ही चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो चिट्ठी खुशी देती है। सेकंड, चिट्ठी लेटर बॉक्स में आती है, लेटर बॉक्स से मिलती है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो चिट्ठी लेटर बॉक्स से मिलती है, ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, बच्चा उठाने वाला आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था। उसके घर से उठाया था, उसके घर से उठाया था, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं।
मतलब देखो आपको भी पता होगा, इसका मतलब होता है बहुत जोर से भूख लगना। बहुत जोर से भूख लगना। ठीक है बच्चों, अब देखो लास्ट आपके दिया है, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैसे अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमें छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, एक तो हमें छोटे बच्चों को अकेला नहीं, छोड़ना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो, अनजान व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अनजान व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। ठीक है, और आपको अनजान व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो अनजान है। ठीक है, अब देखिए गतिविधि दी गई है, आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस वाक्य पर अपने माता पिता या फिर पड़ोसी से बातचीत कर कर आपको योजना बना के दोस्तों के साथ चर्चा की। ठीक है, देखो तो आपको चर्चा करनी है इसमें, तो आप लोग इसमें लिख भी सकते हो कि आपको, देखो तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ी सी आप बात लिख सकते हो कि आप लोगों को घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो गतिविधि में आपको थोड़ा सा ही लिखना है, मोस्टली बच्चों आपको चर्चा करनी है उसमें। ठीक है, फिर भी आप थोड़ी सी गतिविधि लिख दीजिए जिससे कि आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, देखिए हमें अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक और हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, और दो चीज़ हमने लिखी दी थी कि अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था, और बाकी आपको चर्चा करनी है तो आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में चर्चा कर सकते हो। और देखो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो दूसरे चैनल का नाम है सुजीत सिंह। ठीक है, उसमें जो मैंने व्लॉग की वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें मैंने आपका गिफ्ट बताया है, लाइव दिखाया है गिफ्ट, तो उसको आप देख सकते हो, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी है, तो उस पर आपको कुछ नहीं, वीडियो पे कमेंट करना है और उसमें से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, तो वो बच्चा वही सेलेक्ट होगा जो 10 फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर करता होगा और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है आते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, चले जाते हैं, वो बच्चा कभी गिफ्ट नहीं जीत पाएगा। ठीक है, विनर वही बच्चा होगा जिसमें ये 3 क्वालिटी होंगी और आपको वो लाइव गिफ्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो मैं विलोग अपलोडिंग करूँगा, ठीक है, उसके अंदर उस बच्चे का आपको नाम देखने को मिलेगा कि वो बच्चा विनर हुआ है। ठीक है, सभी बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि उसी पे मैं आपसे आपका एड्रेस लूँगा और आपको गिफ्ट डिलीवर करूँगा जिससे कि लाइव रहे और नेक्स्ट संडे दूसरा गिफ्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।